नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 10 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों से बात की। प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया, जिसके जरिए गांव की विकास परियोजनाओं पर नज़र रखी जा सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कई मुसीबतें खड़ी है, लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने का सबक भी दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, वो हमारा अन्नदाता है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य भर में 29 अप्रैल तक तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि के साथ वज्रपात भी हुई। धनबाद, गुमला और नामकुम में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। धनबाद में नहीं खुलेंगे किताब दुकान, 27 अप्रैल से स्कूलों में ही मिलेगी किताब। खबरों के मुताबिक अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने बैठक में निर्णय लिया कि लॉकडाउन तक क्षेत्र में किताब दुकान नहीं खुलेगी, बल्कि 27 अप्रैल से 6 मई तक पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में ही पुस्तकें मिलेंगी। पुस्तक की बिक्री स्कूल के क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए की जाएगी। झारखंड में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसमें हिंदपीढ़ी के 2 और देवघर से 1 नया मामला आया है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 56 से बढ़कर 59 हुई। वहीं 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दिया गया। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 23,077 हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायता ऐप के माध्यम से 1,11,000 प्रवासी मजदूरों को भेजे 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को DBT के माध्यम से 1,11,000 प्रवासी मजदूरों को खाते में सहायता राशि 1,000 रुपये भेजा। शेष मजदूरों को भी जल्द सहायता राशि दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष सहायता ऐप के तहत अब तक 2.5 लाख मजदूर आवेदन दिए, जिसमें 2 लाख को वेरीफाई कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वेरीफाई होते जाएगा, मजदूरों के खाते में पैसा मिलते जाएंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष में संक्रमण की घड़ी में झारखंड के पुलिसकर्मियों ने 8 करोड़ रुपए का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है। यह राशि सभी पुलिसकर्मियों अपने अपने वेतन से दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धन्यवाद और आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने सभी झारखंडवासियों से आग्रह और निवेदन किया कि राज्य के राहत कोष में अपना अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, संकट की इस घड़ी में पंचायती राज व्यवस्था की अहम भूमिका है। देश व राज्य के विकास में भी पंचायती राज संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मुंबई में फंसे गिरिडीह के 400 मजदूरों को दिया गया राशन और पैसा। खबरों के अनुसार सांसद अन्नपूर्णा देवी द्वारा 400 मजदूर जो मुंबई में फंसे हैं, उन्हें राशन और पैसा दिया गया। मुंबई के धारावी में फंसे प्रवासी मजदूर ने सांसद को फोन कर अपनी परेशानी बताई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन में वकीलों को दी जाने वाली मदद का ब्यौरा मांगा। खबरों के मुताबिक झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने सरकार से पूछा कि वकीलों को मदद के लिए कोई कानून बनाया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की अगली तिथि तय करते हुए सरकार से किसी कानून का विवरण देने को कहा है। रांची के हॉट स्पॉट हिंदपीढ़ी में CCTV से निगरानी होगी। खबरों के अनुसार हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने 37 सीलिंग स्थलों पर CCTV कैमरा लगाए हैं। इसकी जानकारी रांची उपायुक्त ने दी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।